नहीं ना, ऊपर नहीं चढ़ना पहला। जिब्रान के टॉयज़ का हाल, मतलब बस कोई चीज़ आई नहीं कि वो उससे पहले तोड़ फोड़ के सब अलग कर देना है। क्या हाल हुआ है, मेरे सारे फ्लावर्स भी इसमें पड़े हैं। तो अब मैं इसकी सबकी मैं छटाई करूँगी और फालतू सामान फेंकूँगी, उसके बाद ये इसमें लगाऊँगी। बस यही सब रहता है घर में काम, कुछ ना कुछ तो करके मैं आती हूँ। तो जी ये हमने सेट कर दी है अब। तो जी यहाँ पर हमने अमेज़ोन से कुछ सामान मंगाया है बेला का, ये दो बोल लिए थे और ये लिटर बॉक्स था, और इसके खाना था एक ड्राई फूड था, एक वेट फूड था, और जी मिट्टी थी, इनकी अलग से मिट्टी जो आती है तो वो इस टब में डाली जाएगी। तो ये सब हमने तैयारी करके रख दी थी उसके आने से पहले। मेरी परी अच्छी अच्छी मेरी परी। अच्छा दूर दूर से तो मैं खिला लेती हूँ, लेकिन जैसे ही पास आती है ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। और जब सब लोग होते हैं तो मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन जिस दिन मैं अकेली होती हूँ तो मेरा ये हाल हो जाना होता है। ये देखिए बेला, इधर आओ, जाओ बाहर, जाओ 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 बाहर, जाओ बाहर, जाओ इधर नहीं, नो बाहर जाओ बाहर। मेरे पीछे क्यों, नो बाहर जाओ बाहर जाओ, मैं नहीं तुमको ले सकती बेबी। अरे पापा इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, धीरे धीरे चलो ली, धीरे आओ, धीरे 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 आओ, धीरे आओ, आपको पानी पीना है, धीरे भागो नहीं बेला, भागो नहीं बेला, धीरे आओ, पानी पीना है, आओ इधर आओ, पियो मेरे पैरों में, नहीं आओ बेला, बेला नो 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 बेला, नो बेला रुक जा बेला। क्या है बेला, रुक। क्या है, मैं कैसे क्या करूं, मेरे को नहीं आता प्यार। तो जी ये फर्स्ट डे था जो कि बेला और मैं अकेले थे घर में। अच्छा क्या होता है कि जैसे जब अकेले होते हैं ना तो ये पीछे पीछे रहती है, मतलब इसको थोड़ा सा टच वाला प्यार चाहिए होता है, थोड़ा सहलाने वाला, थोड़ा सा पास में बैठने वाला। और मुझे लगता है डर है क्योंकि मैं तो छू भी नहीं पाती हूँ ऊपर से, बस इसके जो हेयर्स है ना उस पर थोड़ा सा सहला देती हूँ, लेकिन इनकी जो स्किन होती है या जैसे अंदर इनकी जो बोन्स वगैरह टच भी हो जाए ना तो मुझे मतलब डर लगता है। तो आज के दिन जो था यहाँ पर बस मैं और ये थे और इसे कोई दिखाई दे नहीं रहा था, तो बस ये मेरे पीछे पीछे पैरों में थी। अब मुझे काम भी करना था, अब मैं कैसे काम करूं समझ नहीं आ रहा था, तो बस मैंने फिर इसको किसी तरह अंदर बंद किया, दरवाज़ा थोड़ा सा फेर दिया था और फिर मैं बाहर निकल के आई। तो पूरा दिन बस मेरा ऐसे ही रहा था। और बस फिर मैं किचन में आई, किचन में मैंने ये थोड़ा सा सामान मंगाया था, ये मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और साथ में मैंने कढ़ी का सामान भी मंगाया था, जो मट्ठा था उसके पैकेट मंगाए थे, क्योंकि कढ़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं मट्ठे की ही बनाती हूँ। लेकिन इस बार मेरी कढ़ी दो बार निकल गई, मतलब गैस का जो हाल हुआ है बस बेहाल हो गया था, और फिर उसे समेटना, मतलब एक काम भी बढ़ जाता है ना तो बड़ा टाइम लगता है उसको ख़त्म करने में। ऊपर से ये गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है कि बस क्या बताएं।
मतलब किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वाली गर्मी में। मतलब इससे पहले जो थी ना वो वाली एक बार को बर्दाश्त कर ली जाती है गर्मी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सूखापन होता है। बट ये जो बारिश वाली है, अब ये 2-3 महीने ऐसे ही मौसम रहेगा इतना गंदा वाला, तो जी बस इसको झेलना है किसी तरह से। अक्टूबर का वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी से अक्टूबर का एंड आ जाए, मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है उसमें। और अब स्कूल भी खुल चुके हैं तो वही रूटीन शुरू हो जाना है। अब ये सब मैंने क्लीन करके रखा है, अच्छी जो विंडो है ये पूरी साफ़ की है, इसकी जो नेट है सारी क्लीन की है, ये सब कुछ मैंने धो के रखा है, सब साफ़ किया है। अब ये जितना भी फैला हुआ है ये सब मैं क्लीन करूँगी, फिर मैं आती हूँ। ओह नो, ये क्या हुआ? मतलब ये तो हमेशा होना है मेरे साथ, इतना मैं ध्यान रखती हूँ ना कि निकले ना कड़ी, और वही हाल हो जाता है। करती हूँ इसको क्लीन। मैं ये बना रही थी, इसका मैं सामान निकाल रही थी, और जी बस ये सामान मैंने निकाला है और इतने में ही ये हो गया। अल्लाह ये क्या हो रहा है आज, मतलब मैं गेट खोलने गई हूँ और ये बिल्कुल कम मैंने आज पे रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों निकल रही है। बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है ये बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अब मैं निकल पड़ी हूँ बाहर मॉल के लिए, और मैं नोएडा की साइड ही जाती हूँ क्योंकि वही मेरे पास में पड़ता है और सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी लिफ्ट में। मम्मी का ये व्यू देखे, इनको पता नहीं होता है कि कब करना होता है ये सारी चीजें। मॉल में मैं जब भी जाती हूँ तो अपने फेवरेट ब्रांड जरूर जाती हूँ, जैसे कि जारा है और एचएम है, इन दोनों पे लाजमी जाती हूँ, देखती हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ सेल्स वगैरह में होता है तो ले लेती हूँ मैं। और जी वड्डा ब्रांड है तो वड्डे रेट भी हैं यहाँ के, बड़े हाई फाई, तो सेल में काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। और यहाँ पर जो मॉल में जितनी भी सेल्स लगती हैं वो फ्राइडे वाले दिन लगती हैं, तो जब भी आपको सेल का सामान लेना हो तो आप फ्राइडे वाले दिन ही जाएं। फ्राइडे में जितना भी इनका स्टॉक होता है इसको निकालते हैं और काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, तो ये मतलब चेंज होता रहता है। वैसे ज़्यादातर मैंने यही देखा कि जो यहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने यही बताया था कि फ्राइडे वाले दिन सेल्स का होता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ ज़ारा से भी ख़रीदे थे, जिब्रान के कपड़े ख़रीदे थे मैंने ये फ्राइडे वाले ही सेल से, तो काफ़ी अच्छा होता है, सामान वही ओरिजिनल होता है, बस रेट उनका कम हो जाता है। उसके बाद हम इस स्टोर में आए थे, यहाँ पर हमने देखा ये रोटी बनाने वाली मशीन जिसमें कि एक टाइम में 30 रोटी बन जाती हैं, और जी उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो फिर 2-3 मिनट के बाद आपको 10 रोटी ये बना के देती है। इसका जो रेट था वो था 80,000 और डिस्काउंट होने के बाद वो 70 पे पहुँच गया था। फिर मैंने यहाँ पर ये मिक्सी देखी, मुझे मिक्सी की ज़रूरत थी तो मुझे ये नीचे वाली पसंद आई थी मिक्सी, इसका रेट था 6,000 या 7,000 था, इस पर डिस्काउंट भी चल रहा था। तो बस अभी हमने ली नहीं थी, सिर्फ सोच ही रहे थे कि लें या नहीं लें, लेकिन काफ़ी सॉलिड थी इसकी जो मशीन थी, काफ़ी सॉलिड थी और इसमें काफ़ी सारे जो पार्ट्स दिए हुए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज अच्छी थी। तो खैर मैं इसकी बुकलेट ले आई थी। यहाँ पर मैंने कहा हब से कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, तो उन्होंने इस तरह से रिएक्शन दिया।
तो फिर मैंने जिब्रान की ही बना डाली। उसने ये थोड़े से रिंग्स लिए थे जिनमें ये मैग्नेटिक जो लाइट जलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो बस यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, तो वो उसी के पोज दे रहा था। और यहाँ मेरे पास मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। फिर हमने ये बर्गर किंग से बर्गर मंगाया, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तो बस ये थोड़ा बहुत खाया। फिर हम निकल चुके थे, टाइम काफ़ी हो रहा था, तो लेकिन थोड़ी सी भूख की गुंजाइश थी, तो मैंने कहा लच्छा टोकरी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो फिर हम यहाँ हल्दीराम पे आए। लेकिन टाइम इतना हो गया था कि ये स्टोर भी बंद हो गया था, तो मतलब हमने काफ़ी कोशिश की कि भैया मिल जाए, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर था नहीं, ऑफ हो चुका था और काफ़ी खाली भी पड़ा हुआ था। हम दस बज गया था बस जी। फिर यहाँ से भी हम निकल चुके थे, यहाँ हमें कुछ नहीं मिला खाने के लिए। और ऊपर भी ऊपर फ्लोर पर तो बस वही था जो हम खाते हैं बर्गर। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो बस यहाँ हम घर के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने मोबाइल रखकर कोशिश की वीडियो बनाने की, तो कुछ ऐसी बनी। और फिर हम बाहर आ गए, यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। और बस फिर हमने अपना ऑटो रिक्शा लिया और रिक्शे से हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो जी ये था नोएडा का लार्जेस्ट DLF मॉल, जो कि काफ़ी फेमस है। और जी अभी न्यू बना है ये कुछ साल पहले ही, इससे पहले सिर्फ GIP था, वो काफ़ी पुराना मॉल है। तो इसी के जस्ट सामने है वो वाला मॉल, तो लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मुझको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि सारे ब्रांड हमको मिल जाते हैं, वहाँ पर इतने नहीं मिलते हैं। और वहाँ का जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है, यहाँ पर लेटेस्ट चेंज होता रहता है। और ये है रेडिसन होटल, ये नोएडा सेक्टर 18 का एरिया है, तो जो नोएडा में रहते हैं वो तो पहचान ही गए होंगे। तो जी इस वक्त बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा था और मज़ा आ रहा था, रात में ठंडक सी थी थोड़ी। तो बस यहाँ पर हम अपने घर आ जाते हैं। और जो मैंने छोट मोट सामान लिया था मैं वो निकाल रही हूँ। तो ये बुकलेट मैंने ली थी होम अप्लायंस की, और ये मैंने एक स्क्रबर लिया था, ये सीज़र ली थी, काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। और यहाँ पर ये रबर बैंड है। तो जी टोटल बस यही सामान लिया था मैंने जो ज़रूरत का था। ये जो बॉटल है एक के साथ एक फ्री थी, ये मुझे मालूम नहीं था कि एक के साथ एक फ्री, मैंने एक ही उठाई थी, तो उन्होंने भैया ने बोला कि नहीं इसके साथ एक फ्री है, तो ये दो बॉटल थी। ये रबर बैंड थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत बारीक रेशे वाली, मतलब इसका जो बो था अच्छा लगा हल्का सा। और जी ये अभी मैंने यूज़ की, तो काफ़ी इसकी जो शार्पनेस थी बहुत अच्छी थी, इससे पहले जो मैंने ली थी सीज़र वो इतनी ख़राब निकली कि बहुत ही ज़्यादा। तो जी बस ये सब लेने के बाद फिर मैंने इन सब सामान को लगा दिया था। और यहाँ पर बेला के कारनामे देखिए, ये शूज़ बॉक्स था तो वो इससे खेल रही थी, इसकी आइज देखिए कितनी प्यारी है। वो यहाँ से देख रही है बेला जाओ।